बोलो आरती, अब तुम क्या करोगी? हवालात भेजोगी अपने बाबूजी को? मेरे भगवान की कसम, अपने खून, अपनी औलाद के बेटे के दुश्मन बन गए आप? जरा भी शर्म नहीं आई आपको अपनी मुंह बोली बेटी का घर उजाड़ते हुए, उसके देवता जैसे पति की तीसरी शादी करवाते हुए? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए दुबे जी। आखिर आपने वो बात सच्ची साबित कर ही दी ना, चाहे मुंह से कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देना नामुमकिन है। इसे देखिए, ये दामाद है आपका, अपने माँ बाबूजी से ज्यादा ये आपकी इज्जत करता है। आपके बेटे की गिरी हुई हरकत के बावजूद भी एक बार भी शिकायत नहीं की इसने। आपके बेटे की मौत के बाद भी ये आप दोनों को हमारे घर लेकर आया, और इसके प्यार और इज्जत का क्या बदला दिया आप लोगों ने? आपकी ये मुंह बोली बेटी दिन रात आपके गुण गाती है कि मेरे माँ बाबूजी जैसे सास ससुर तो किसी के हो ही नहीं सकते। पछताएगी अब बेचारी, सोचेगी कि भगवान ऐसे सास ससुर किसी को ना दे। इससे तो अच्छा है कि कोई लड़की कुंवारी ही मर जाए। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? मैं नहीं जानती कि क्या मजबूरी है, कैसी लाचारी है, लेकिन हाँ ये सच है कि इनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और इस भूल के लिए माफ नहीं किया जा सकता। और हाँ, इनकी अर्धांगनी होने के नाते इस पाप में मेरा भी हिस्सा है, सजा तो मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। हम इस अपराध के बाद हम इस समाज में रहने के लायक नहीं। अब हमारा पाप जेल की काल कोठरी में ही छुप सकता है। बुलाइए, आप लोग पुलिस को बुलाइए। नहीं, इसमें शोभा का कोई दोष नहीं है, कसूर है ये। इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। दरअसल अंधा हो गया था मैं, बेटे के मुंह में भला बुरा परखने की समझ को बैठा था। प्रशांत की मौत ने मुझे तोड़ के रख दिया था। उसकी सांसें क्या बंद हुई, मेरे मन के अंदर दबी उम्मीदों ने और सपनों ने भी दम तोड़ दिया। प्रशांत की मौत के लिए आरती को कसूरवार मान रहा था, और उसी डर, नफरत और चिढ़ में मैंने तय किया कि अगर प्रशांत को उसका प्यार नहीं मिला तो मैं आरती को भी उसके प्यार के साथ खुश रहने नहीं दूंगा। मैंने ही यश आरती का तलाक करवाया था, और मैंने ही दूसरी शादी की बात की थी। इसमें मेरी पत्नी शोभा का कोई कसूर नहीं है, इसलिए जो भी सजा देनी है तो दे दीजिए।
जैसे स्वार्थी इंसान को कभी कभी बाऊजी मत कहना। लोग मां को एक भगवान का दर्जा देते हैं, तो ऐसी मां का दामन कभी नहीं छोड़ना। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर लड़की को शोभा जैसी सास मिले। नहीं, हर सुख दुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है, तो इस पाप में भी मैं आपका साथ जरूर दूंगी। सजा सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी होगी। दीजिए, हमें हमें सजा दीजिए। मुझ में कोई कमी रह गई होगी, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी आपने ऐसा किया, वरना आप ऐसा कभी नहीं करते। नहीं बेटा, तुम दोनों ने मुझे पिता का सम्मान और प्यार देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। किंतु मैं ही रास्ता भूल गया था। मुझे माफ कर दो। तो मुझे हर खुशी दी है बाबूजी, आज को इतना प्यार दिया, यश जैसे इंसान के साथ मेरा पुनर्विवाह कराया, मुझे भरा पूरा परिवार दिया, आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी। बांट के तो देखते बाबूजी, बाबूजी अपनी बेटी पर नाराज होने का पूरा हक है आपको, अपने मन में अपने दिल में इतना जहर लेकर चुप कैसे रहे आप? दोनों माँ बेटी अपनी गंगा जमुना दोबारा बहाने लग गए। आप दोनों महात्मा तो एक दूसरे को माफ कर देंगे, लेकिन हमारे यश के साथ जो हुआ है उसका क्या? उसके दुख का कौन जिम्मेदार? मुझे पूरा यकीन है कि हमारा यश दुबे जी को किसी हालत में माफ नहीं कर सकता। क्यों बेटा? से बहुत छोटा हूं और मेरे बड़े मेरे सामने हाथ छोड़े, इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? बाऊजी, मैं आपके दर्द को समझता हूं। आपने अपना बेटा खोया है, पर बाऊजी आप दोनों ने भी धोखा है कि मैं भी आपका बेटा हूं। तो बस उसी नाते
मैं सब कुछ भूलना चाहता हूं। ये तुम्हारा बड़प्पन है, शर्मिंदा मत करो मुझे। बेटा आज तुम दोनों ने जता ही दिया है कि मन के रिश्ते का रंग खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों का सामना मैं कैसे करूं। इजाजत दीजिए। आप कहां जा रहे हैं? भूल की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अब तीर्थ यात्रा ही हमारे मन को शांति दे सकती है। लेकिन मां नहीं आरती, आज हमें मत रोकना और हम हमेशा के लिए अपने बच्चों को छोड़कर थोड़ी ना जा रहे। हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। चलिए आरती जी, हमें भी किसी और से माफी मांगनी होगी जिसे मैं मंडप में अकेला छोड़ के आ गया। आरती जी, मैं उसका गुनहगार हूं, मुझे उससे और उसके परिवार से माफी मांगनी होगी। और यह भी कहना होगा कि मैं उनसे शादी नहीं कर पाऊंगा। यश, तुम्हें माफ नहीं करेंगे वो लोग। हमने अपने स्वार्थ के लिए उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते हैं वो लोग। हाँ बेटा, अरे ऐसा भला कहीं होता है क्या? मंडप में आई हुई लड़की को रस्में अधूरी छोड़ के कोई अपने घर वापस ले जाए। नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू आरती और बच्चों को लेकर ना कहीं कहीं चला जा। हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे, तू यहाँ से चला जा। नहीं माँ, मुंह छुपाकर भागना बुजदिली है। मैं उस लड़की का गुनहगार हूँ, उसके परिवार का गुनहगार हूँ। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी और अगर जरूरत पड़े तो मैं उनके पांव पकड़ के माफी मांगूंगा। लेकिन माँ, मैं चोरों की तरह नहीं भागूंगा। एक एक को देख लूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आइए,
क्या समझ के रखा था आपने कि क्या तमाशा था? बड़े लोगों का बड़ा तमाशा। चलो आकाश भैया, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जानता हूं कि सॉरी का एक शब्द आपके दुख को, आपके अपमान को कम नहीं कर सकता। लेकिन ईशिता जी, मैं मजबूर हूं। ये मेरी पत्नी आरती जी, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, और बहुत ही जल्द एक छोटा मेहमान हमारे घर पे आने वाला है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। इनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो एक बंधन नहीं, एक फर्ज है। मैं अपने फर्ज को भुलाकर आपसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए आपसे शादी करके मैं आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर अपने परिवार के होते हुए आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? हाँ कहने के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। किसी दुल्हन को मंडप से छोड़ के जाना बहुत बड़ा अपराध है, और आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है। आप जो सजा देना चाहती हैं, मैं तैयार हूं। ईशिता जी, मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी थी, और कुछ नहीं। मजबूरी के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सारे शहर में बदनाम करके रख दिया। बेटी इसे माफ मत करना। या चलो गांधी कि सारी की सारी गोलियां इसके सीने में डाल। छोटी छोटी भाई सर, ये आप क्या कर रहे? प्लीज